बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टी वी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। एक और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का सियातरी दिन, एक और तारीखी शिकस्त, एक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और एक और शर्मनाक शिकस्त। अब ऐसा लगता है कि जब जब पाकिस्तान के मैचेज़ होंगे तो मुझे प्रोग्राम की इब्तिदा में सिर्फ यही बातें करनी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो सुनहरा माजी, वो सुनहरा दौर पता नहीं कहां जाकर खो गया है, पता नहीं तारीख किन औराख में जाके वो सुनहरा दौर छुप गया है कि जहां पर हम पाकिस्तान की टीम की कामयाबी की बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम के जीत के हवाले से शायद टीम भी अपना जो है वो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी है, तमाशाइयों का एतमाद भी जो है वो पाकिस्तान की टीम पर खत्म हो चुका है, और जिसकी वजह से आपने देखा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खाली खाली ही नजर आया और तमाशाइयों की जानिब से कोई जोश खरोश और जौक शौक देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान क्रिकेट के ये मामलात आए क्यों कर इस नहज पर? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिका चेयरमैन गुजरे हैं गुज़िश्ता जो 5-6 साल के अंदर जो चेयरमैन गुजरे हैं, क्या वो इन शिकस्तों के जिम्मेदार हैं? क्योंकि इनमें से एक चेयरमैन ने तो एक क्रिकेटर को, एक कप्तान को जो है वो क्रिकेट से ही बड़ा कर दिया था, मुल्क से ही बड़ा कर दिया था। क्योंकि जब आप किसी फर्द को किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी इदारे से बड़ा करते हैं तो फिर उसके असरात और उसके मुजम्मरात सामने आते हैं। जब आप ये कहेंगे बतौर चेयरमैन, बतौर फॉर्मर कैप्टन, बतौर वर्ल्ड कप विनिंग टीम के रुकन के आपको बाबर आजम के कवर ड्राइव देखना है या टेस्ट मैच जीतना है, तो फिर उसका इंपैक्ट टीम पर क्या आता है कि फिर पूरी टीम ही सेल्फिश होकर खेलना शुरू हो जाती है। और फिर उसका इंपैक्ट आपने देखा कि बांग्लादेश जो इस सीरीज से पहले पाकिस्तान के खिलाफ 13 टेस्ट मैचेस खेला था और 13 टेस्ट मैचेस में उसको किसी एक टेस्ट मैच में भी फतह का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ था। इन मुश्किल हालात में वो वहां से आए थे कि जब वहां पर हालात खराब थे, हंगामे हो रहे थे। लिटन दास में बार बार बात कर रहा हूं, लिटन दास से जैसे प्लेयर का घर जला दिया गया, शाकिब अल हसन के ऊपर FIR काट दी गई मर्डर की, उन हालात में आके वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आके पहला टेस्ट मैच है 10 विकेटों से जीता और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने आज 6 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। और पाकिस्तान के कोच, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद साहब, जो सारी ज़िंदगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले, वो ये कहते हैं कि जनाब मैं पिंडी की पिच को हम लोग नहीं समझ सके और जिस तरह हम समझ रहे थे इस तरह बिहेव नहीं कर सके। लेकिन हमारा जो माजी का दौर था, सुनहरा दौर था, अगर हम मैं बात करता हूँ हनीफ मोहम्मद साहब की, फजल महमूद साहब की, नज़र मोहम्मद साहब की, वहाँ से लेकर अब तक तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ये ब्रांड कभी भी नहीं रहा। नामसाइद हालात में कल या परसों अमीर इलाही साहब के सालगिरह का मैं जिक्र भी कर रहा था, नामसाइद हालात में जो पहला टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान के लिए और वहाँ से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं, इतनी बुरी, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान की नहीं रही कि हम USA से हार जाते हैं, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं और बांग्लादेश हमारे घर पर आके हमको 2-0 से सीरीज में शिकस्त दे देता है। और यही वजह है कि आज मैंने अपने इस दुख को कम करने के लिए, अपने इस गम को करने के लिए और आप सबके इस गम को कम करने के लिए पाकिस्तान के क्रिकेट के उस फैमिली के एक बहुत ही ज़बरदस्त सपूत को, उस ज़बरदस्त फर्जंद को दावत दी है कि उनके कंधे से लग के हम अपना गम हल्का कर सकते हैं, अपने दुखड़े रो सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि भाई इन मसाइल की वजह क्या है और पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से निकलेगा कैसे, और इनसे बेहतर शख्सियत आज के शो के लिए कोई हो नहीं सकती थी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे, और जब ये क्रीज पर होते थे तो इनको आउट करना जुए शीर लाने के मुतारादिफ होता था। इनके रिकॉर्ड्स गिनवाऊंगा तो वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारी बातें कर दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब मोहम्मद साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम सलमान। सर इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पे प्रोग्राम का आगाज करूं, शोएब भाई क्या फील कर रहे हैं? क्योंकि सर आप लोगों ने तो पाकिस्तान के लिए खून पसीना एक किया है, आपने लेजेंड को अपने घर में देखा है, जिस मैंने आपका इंटरव्यू किया था उस दिन और जिस कमरे में, जिस ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, आपने कहा था इस छत के नीचे जो कितने लेजेंड रह के गए और कितने लेजेंड ने जिंदगी गुजारी है। सर हमसे ज्यादा तो दुखी आप लोग होंगे, आपके क्या ख्याल आते हैं? बेशक पाकिस्तान टीम, पहले बात तो ये है कि बांग्लादेश की टीम को बहुत मुबारक हो, उन्होंने बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल आउटराइट तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान को चित करा, और नॉट ओनली 3 डिपार्टमेंट बट कैप्टेंसी भी, प्लस जो उनकी मैनेजमेंट की जो फीडबैक जो हमारा और उनका, उसमें डिफरेंस देखने में आया, और जो शार्प थिंकिंग, स्पॉन्टेनियस डिसीशंस और शॉर्ट सेलेक्शन, ये तमाम चीज़ें, वो भी बहुत
एग्रेसिव तरीके से उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान उनके उस फियर्सम मूड की वजह से बैकफुट के ऊपर आया। जिस तरह फर्स्ट टेस्ट के अंदर 450 के करीब जो पाकिस्तान ने किए, उन्होंने 565 रन जब करे, तो पाकिस्तान वहाँ पहले मैच जो टेस्ट मैच हारा है बेसिकली, वो फर्स्ट इनिंग की उस लीड को देखते हुए पाकिस्तान वहीं से प्रेशर में आ गया कि ये क्या हो गया। तो खैर ऑल हैड्स ऑफ टू देम, एक मेहनत करके उन्होंने हमारी टीम को पाकिस्तान में आके दो टेस्ट मैचेस हराए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से उनको एडिड एज मिली और वहां उनको ये टू सीरीज़ वाइट वॉच करने में बहुत आसानी हुई, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये सीरीज़ आसानी से शायद जीतेगा। लेकिन इस फनी गेम ऑफ क्रिकेट, इसके अंदर जब तक आप अपने कार्ड्स को सही तरीके से नहीं प्ले करते, अब रिजल्ट कुछ उलट भी आ सकता है, और वही देखने में आया। बहुत सी चीज़ें सलमान टाइम एंड अगेन बताते रहे कि अफसोस की जहाँ तक बात है, अफसोस देखें एक दफ़ा कोई चीज़ बताई जाती है, दो दफ़ा बताई जाती है, एक साल पहले, दो साल पहले, दस साल पहले, तो फिर अफसोस की बात नहीं। इसका मतलब ये कि स्टबननेस ऑफ द पीसीबी जो है वो अपनी जगह अटल खड़ा है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता, और उस तरीके से पाकिस्तान टीम को उसका बेसिकली नुकसान होता है। और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम पूरे प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ग्रेट शोएब मोहम्मद साहब से, पाकिस्तानी मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम, लेकिन उससे पहले प्रेम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान को दो मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 185 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हार गया। बांग्लादेश से शिकस्त पर हम कौम से माफी मांगते हैं, खिलाड़ियों ने गलती से कुछ नहीं सीखा, खिलाड़ियों को जल्द ही अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा, कौमी टेस्ट टीम कैप्टन शान मसूद। पाकिस्तान को इसकी सरजमीन पर वाइट वॉश करके और तारीख साज कामयाबी हासिल करके जो खुशी मिली है, कोशिश करेंगे कि भारत के खिलाफ भी जीत अपने नाम करें, बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतू। सब कुछ दुरुस्त करने के लिए वक्त लगेगा, रातों रात सब कुछ नहीं होता, सकलैन मुश्ताक। बाबर आजम इंतहाई जिद्दी हैं और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से तजवीज करदा स्क्वाड में तब्दीलियों को नहीं मानते, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ब्रेंडन मैकलम को इंग्लैंड व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ताहिर जमान को कौमी हॉकी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। स्कॉश लेजेंड जॉन शेर खान का इस्लामाबाद के अस्पताल में घुटनों का कामयाब ऑपरेशन। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, कौमी स्क्रैबल टीम में 12 लड़के और 4 लड़कियाँ शामिल। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान की आयशा मुमताज सेमीफाइनल में पहुंच गईं। और साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के ड्राफ्ट्स का ऐलान कर दिया गया, पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 17 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से करेगा। जी जनाब, जहाँ आज पाकिस्तान को एक इबरतनाक और शर्मनगेज शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं एशियन बॉक्सिंग में आपने देखा कि पाकिस्तान की जूनियर प्लेयर आयशा मुमताज़ ने जो है वो कामयाबियों के सिलसिले को जारी रखा है, और अब यही छोटी छोटी खुशियां जो है वो हमारी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स में रह गई हैं। क्रिकेट हमें मुसलसल मायूस कर रही है, और दीगर खेल चाहे जेवलिन हो, बॉक्सिंग हो, स्क्रैबल हो या दीगर खेल हो, वहाँ से हमें जो है वो खुशियाँ मिलती नज़र आ रही हैं, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए एक खुश आइंद बात भी है। शोएब भाई, आपसे बात हो रही थी, आप जिक्र कर रहे थे कि अभी मोहम्मद वसीम का भी आपने स्टेटमेंट सुना कि बाबर आजम जो है वो ज़िद्दी बच्चे की तरह है, वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, अपनी गलतियों को नहीं मानते, लेकिन ये बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, कौम से माफ़ी मांगते हैं, आपको नहीं लगता एक दफ़ा हम सब मिलके जो है वो पीसीबी आगे हम सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भैया आपने बहुत माफ़ी मांग ली, अब आप हमें माफ़ कर दो?
नहीं, बात बिल्कुल वैलिड है, वजनदार है, इसलिए कि देखिए गलती कहाँ से शुरू होती है। एक अगर बिल्डिंग का फर्स्ट, इफ़ यू डोंट स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट, या फर्स्ट ब्रिक लेइंग जो है फर्स्ट के बाद दूसरा अगर बिल्कुल स्पॉट ऑन सही जगह के ऊपर ना होगा तो वो बिल्डिंग कभी सीधी नहीं खड़ी होगी। तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स, और वहाँ से ये इसकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट की एक टाइम पे जो इतनी मजबूत थी उसको डिसमेंटल एक तरह से कर दिया गया रॉन्ग थिंकिंग की वजह से, इसलिए कि उनका लैक ऑफ क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से ये पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर सिर्फ फॉरेन कोचिस के ऊपर, अगर हम पहले मैं उसके ऊपर आता हूँ, रिलाई करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के जो पहले के जो प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी नहीं की, डबल सेंचुरी नहीं की, 10 विकेट नहीं ली, टेस्ट मैचेस नहीं जीते, सीरीज नहीं जीती, कैचेस नहीं किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं किए, क्या नहीं किया? तो उस वक्त तो ये इस तरह के सो कॉल्ड कोचिस तो नहीं थे, तो क्या गोरों के सींग निकले हुए होते? नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर यही कोचिज कितने अरसे से कोई पता, पाइबस, रिचर्ड पाइबस से भी पहले शायद कोई था या वो फर्स्ट गोरा कोच आया था, तो क्या उसके बाद से पाकिस्तान की टीम बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई? कहीं इधर उधर नहीं, कोई मैचेस में गलतियां नहीं हुई, क्या कैचेस नहीं छोड़े, फॉल स्ट्रोक के ऊपर आउट नहीं हुए, गलत लेंथ और लाइन पर बॉलिंग नहीं की, मैचेस नहीं हारे, क्या नहीं किया? तो इनके आने से अभी भी जैसे गिलेस्पी भी आए हैं, तो क्या इनकी वजह से, एक मिसाल साथ साथ देते चलूं, जब ये फर्स्ट इनिंग में 26 पे 6 आउट हो गए थे, तो उस टाइम के ऊपर जब शॉर्ट पिचेस और बाउंड्री चौके छक्के जब लग रहे थे फ्री फ्लो ऑफ द बैट के साथ, तो उस वक्त क्या सिर्फ शान मसूद ही बीच में अपना कैप्टनसी कर रहा था? तो फिर कोच का कब काम होता है? कि क्या सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर टेबल टॉक करने के लिए होता है? वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उसके ऊपर सारा वो ब्लेम गेम जाता है, इसलिए कि ही इज द हेड कोच ऑफ द टीम। तो वो क्या कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते थे कि यार ये चीजें बिल्कुल गलत है, फ्री हिट तो कम से कम ना खाओ, चौके तो ना खाओ, सिंगल डबल के ऊपर उनको रखो? तो इस किस्म की चीज़ें बहुत सी दफ़ा आप नोट तो करें कि इन लोगों की वजह से क्या चीज़ सही हो गई। अभी मैं अंडर 19 के साथ वहां गया था साउथ अफ्रीका अंडर 19 एज अ मैनेजर, एक मैच के अंदर ये जो सर्टिफिकेशन ऑफ कोचिंग का जो ड्रामा मेरी नजर में तो टोटल ड्रामा है के टोटल 25 वाइड्स हुई उस मैच के अंदर, 25 वाइड्स एक मैच के अंदर। तो बात ये है कि ये सर्टिफिकेशन ऑफ कोचेस से सिंगल डबल्स के ऊपर जो ना अंडर 19 के अंदर बताया गया, मैं पूरा वहां था, आई डोंट वांट टू नेम एनी कोचेस, बट दैट्स हाउ द क्रिकेट वाज प्लेड बैक देयर। और सेम चीज पाकिस्तान टीम के साथ भी होती रही है कि इस टेस्ट के अंदर बाबर ने 2 चौके कवर के ऊपर मारे, ही वॉज रेडी टू हिट द थर्ड बाउंड्री टूवर्ड कवर्स ओनली, दैट पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट वेयर ही फाइंड्स इट वेरी अट्रैक्टिव, और एवरी नाउ एंड देन उसका जो शॉट है बहुत खूबसूरत भी लगता है, ही गेट्स मोस्ट ऑफ द रन्स फ्रॉम दैट कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, लेकिन जब लगता है वो शॉट के जब उसका गुड टाइम पीरियड चल रहा हो, जब उसका फ्री फ्लो ऑफ द रन्स आराम से आ रहा हो, डबल सेंचुरीज 80, 100, 150 रन्स एवरी नाउ एंड देन करता हुआ, नॉट व्हेन ही इज स्ट्रगलिंग, तो दैट वाज द की टू हिज फेलियर आई बिलीव, के जो अपना वो उसी फॉल स्ट्रोक के लिए वही वेट करके वहां से उसने खेलने चला गया। शान मसूद भी सेम तरीके से 2 चौके कवर पे मारे और फिर थर्ड वही हाफ कॉक पोजीशन से ही ट्राई टू हिट दैट बॉल, और मेनी अदर प्लेयर्स वहां से, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक बाहर की बॉल, अगर आपको ऑफ स्टंप का नहीं पता है, हैंग बैट करेंगे इसलिए कि आप चौका भी नहीं मार रहे और आप सिर्फ बॉल को डिफेंड
डिपेंड कर रहे हैं कि कहीं आप इतनी बॉल बाहर के कहीं बोल्ड ना हो जाए. तो यू गॉट टू नो योर ऑफ स्टंप क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट जो है इट्स नॉट एन ईजी गेम. इट डज नॉट कम ओवरनाइट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन जो टेस्ट प्लेयर्स हैं इनको समझना चाहिए. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की तो कमी नजर आ रही है. और जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि जिस तरह शोएब मोहम्मद साहब खेलते थे, आसिफ मुश्तबा साहब खेलते थे या मुदस्सिर नजर साहब खेलते थे, जिस तरह ये खेलते थे तो लगता था कि प्रॉपर टेस्ट है, क्रिकेट हो रही है. लेकिन अब तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस की कमी नजर आ रही है. ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद शोएब भाई से बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस टेस्ट मैच को डिस्कस करने के लिए. चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा था एक मसले के ऊपर कि ये एक SHO की बार है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो DSP के अहदे पर फाइज हैं, उसके बावजूद चूंकि शायद वो टीम का हिस्सा नहीं है. शाहिन शाह आफरीदी जो ऑनरेरी DSP हैं, नसीम शाह ऑनरेरी DSP हैं, शादाब खान जो ऑनरेरी DSP हैं, शायद वो टीम का हिस्सा इस टेस्ट मैच में नहीं थे, इसलिए शायद बांग्लादेश जाइए बाजी और ये मेला लूट के ले गया. शोएब भाई, हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जब से ये बेसबॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने अडॉप्ट करने की शुरू की है कि कौवा चला हंस चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया कि हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं बेसबॉल क्रिकेट अप्रोच के साथ, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल क्रिकेट थी जो आप लोग खेलते हैं हम उसको भी भूल गए शायद. देखिए, हर चीज की एक प्रिपरेशन होती है और अभी आप और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्या चीज़ होती है, डिफेंस पहले अगर आपको आएगा, आप विकेट बचाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक विकेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं. जब ऑक्यूपाई ज़्यादा करेंगे देर तक अपनी विकेट को, क्रीज पे रहेंगे तो रन ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो हाउ टू ऑक्यूपाई द क्रीज फॉर लॉन्गर, ये एक आर्ट ऑफ बैटिंग के अंदर आता है. और ये हिटिंग तो आप किसी रोड को चलते वाले आदमी को बल्ला दे देंगे तो उसने उठा के लेफ्ट पे घुमाना है यूं करके. इसी तरह पाकिस्तान का जो हमारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पिछले टेस्ट मैच में भी और इस टेस्ट मैच की बहुत से जो प्लेयर्स हैं फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में जिस तरह मारते हुए आउट हुए, 30-40 रन करे, तो सेशन खेलना जो है ना वो आर्ट है. और सिंगल डबल जो टेस्ट क्रिकेट का नाम है, इट्स ऑल अबाउट सिंगल एंड डबल्स. बाउंड्री, कंसिडर बाउंड्री एज अ बोनस. चौका छक्का कभी अगर आ जाता है तो वो आप बोनस समझें, ये नहीं कि आप सिर्फ चौके के लिए खड़े रहें. चौके के लिए इंतज़ार करेंगे तो आप रूम मांगेंगे, जगह मांगेंगे, अपनी बॉडी को दूर करेंगे, ज़रा से बॉल हिली तो आप आउट हो जाएंगे या आपकी बॉडी के दूर से खेल जाएंगे तो एज लग जाएगी. तो T20 और वन डे मैचेस में इतनी स्लिप्स नहीं होती तो वहाँ से आप बच जाते हैं. लेकिन सिमिलर केस के अंदर जब आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेल रहे होते हैं तो वो चौका आपके माइंड में होता है. जिस तरह बाबर का मैंने मिसाल दी थी, ईशान की मिसाल दी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं की, वहीं खड़े रह के यहाँ बॉल आएगी प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ कि जी यहाँ आएगी तो मैं यूँ मार दूंगा और बड़ा अच्छा ये चौका हो जाएगा. लेकिन जब वो ज़रा से बॉल ऊपर नीचे हुई, अपनी बॉडी से दूर हुई, आपकी फॉर्म कम हुई तो आपकी एज लग जाती और फिर सॉरी सागा शुरू हो जाता है. तो कंसिडर सिंगल डबल्स एज द मेन गिमिक्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, जिसके अंदर आप बड़ी टोटल जो बनाने में कामयाबी मिलती है. बाउंड्री इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, खुद ब खुद आ जाती है. हाफ वॉली आ गई, ग्लांस पे आ गई, कट शॉट मिल गया आपको, वो ऑटोमेटिकली इट इज बाउंड टू कम सूनर और लेटर. लेकिन सिंगल डबल्स के लिए आपको खेलना होता है तो आप अपनी विकेट भी सेव कर रहे होते हैं. ये मतलब इनको कौन सिखाएगा, क्या गिलेस्पी आगे सिखाएगा? या दुनिया में जो ज्यादातर कैप्टन होते हैं सलमान, वो बैट्समैन ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए कि बॉलर के पास तो बेतहाशा बॉलें होती हैं, 1 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर. लेकिन बॉलर बैट्समैन को देखना पड़ता है कि फील्ड सेटिंग क्या है, आउटस्विंग करेगा तो स्लिप्स होंगी, इधर ये ऑफ साइड फुली पैक्ड होगा, बाउंसर करने की तैयारी कर रहे हैं तो एक डीप स्क्वायर लेग, तो आपको हर किस्म से, इसे के वन बॉल गेम है फॉर अ बैट्समैन. तो हमारे मेंटर्स और ये जितने जितने लोग हैं ये सारे
बॉलर्स हैं, आप इस हमारे कैंप में भी बॉलर्स हैं, तो बैटरिंग की साइकी को कौन समझाएगा? लेकिन ऑफ कोर्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेयर इटसेल्फ। अगर ड्रेसिंग रूम या बेंच में इतने अच्छे लोग माइंडसेट के नहीं है तो डजंट मैटर, यू गॉट टू वर्क हार्ड योर ओन सेल्फ रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। आपने दुनिया भर की क्रिकेट को भी देखा है, क्रिकेटर्स को भी देखा है, तो आपको सीखना चाहिए ऑक्यूपाई किस तरह देर तक रहना है। लेकिन अभी गुज़िश्ता मेरे शो में अभी सरफराज नवाज साहब भी मौजूद थे, उन्होंने आपको बहुत प्रेस किया। ये नहीं कि आप सामने बैठे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सरफराज नवाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शोएब मोहम्मद की खिदमत से इस्तेफादा करना चाहिए। इसके अलावा साजिद खान साहब मेरे शो में, तो उस दिन हम बात कर रहे कि जब आप पीआईए साजिद खान साहब कह रहे हैं कि जब शोएब मोहम्मद साहब, रिजवानुज्जमान साहब, आसिफ मुश्तबा जैसे प्लेयर पीआईए से खेलते थे तो आउट करना इनको मसला हो जाता था, गेंद को इस तरह छोड़ते थे। लेकिन आप समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो खिलवाड़ हो रहा है कि हफीज साहब आए, उन्होंने 80 ओवर की इनिंग कर दी, तो लंबी बैटिंग की आदत ही खत्म कर दी है। आप प्लेयर जो निकल के खेल रहे हैं, डाउन द ट्रैक खेल रहे हैं, अगेंस्ट द स्पिन खेलते नजर आ रहे हैं, तो यहीं से आप अपनी बेसिक को ही खराब कर देते हैं। देखें, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इनको जैसे बताने वाले कौन लोग हैं, ये जो किस तरह फुटवर्क को यूज करना है स्पिनर्स के अगेंस्ट, हमारी चाहे बड़ी टीम हो चाहे छोटी टीम हो, यही जो मेंटर्स अभी 4-5 जो सेलेक्ट हुए हैं या सम फॉर्म और दी अदर पाकिस्तान क्रिकेट के चारों तरफ नज़र आते रहे, अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो आज हमारी क्रिकेट या क्रिकेटर्स अच्छा खेलते हुए नज़र आ दे। कोई प्रोडिजी उन्होंने बनाई दिखाई कि हाँ ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने इसको बनाया है, पहले इसको हुक नहीं आता था, अब हुक आता है, अब इसको स्विंग बॉलिंग आती है, अच्छी लेंथ और लाइन पर 15 ओवर कर सकता है इन अ डे या 20 ओवर कर सकता है, ज़्यादा टर्न करता है, निब है, बाइट है बॉल के अंदर, या ऑफ स्पिनर नहीं तैयार किया हुआ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक नहीं है, एक बेचारा तो क्या नाम है जो लेफ्ट आर्म हमारा अभी थोड़ा सा बाबर नाम था, क्या नाम था, नवाज एक खेले, ये कि हमारे पास कोई यंगस्टर ना, नवाज नहीं, नवाज से पहले जुल्फिकार, क्या जुल्फिकार बाबर, जुल्फिकार बाबर, अब्दुल रहमान थे, जुल्फिकार बाबर थे, हाँ वही तो मैं कह रहा हाँ, अब्दुल रहमान तो बहुत पहले। तो बात यह है कि ये इस तरह की चीज, इस तरह की जो कमी है पाकिस्तान, हर दुनिया की टीम के एक अंदर ऑफ स्पिनर आपको इज अ मस्ट, इज अ नेसेसिटी ऑफ द आर ऑफ द डे कहना चाहिए। पूरी दुनिया में चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, तमाम लोग ऑफ स्पिनर खिलाते हैं, बट सी पाकिस्तान, वी डोंट हैव अ सिंगल ऑफ स्पिनर अराउंड अस, एक प्रॉपर जो जेन्युइन ऑफ स्पिनर होता है। इस तरह तो सलमान जैसी तो मैं भी बॉलिंग कर सकता हूँ, बल्कि मेरी विकेट शायद ज्यादा ही, ज्यादा विकेट में ये कहने वाला था। और तीन दफा विविन रिचर्ड्स भी आउट है बाय द वे, विविन रिचर्ड्स भी आउट किया आपने, मुझे याद है। तो खैर आउट तो है, लेकिन ये कि ऑफकोर्स वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इस तरह के उसके अंदर जो आर्ट ऑफ बॉलिंग के अंदर जो ड्रिफ्ट होता है, किस तरह बैट्समैन को फूल बनाया जाता है कि एज इफ बॉल उसके करीब है लेकिन वो उससे दूर पिच हुई भी होती है, उसको इन टू माइंड्स लाना पड़ता है, गलती वो करेगा तो आउट होने के चांस बढ़ जाएंगे, गलती नहीं करेगा तो बच जाएगा। लेकिन इस तरह की बॉलिंग के लिए क्या मेहनत हुई, क्या ये जो थिंक टैंक जो वहाँ जो कॉरिडोर्स में जो बैठे हुए लोग हैं डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, दूसरे फॉरेन टूर्स वगैरह और इस किस्म के उनके जो कोचिज हैं जिस सर्टिफिकेट टूर हुई है, थ्री हुई हुई है, अबे भाई वो उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, किताब पढ़ के कोच बने, तो इसीलिए ये किताबी क्रिकेट ही उनको सिखा सकते हैं। ये डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स आउट ऑफ दीस प्लेयर्स अंटिल अनलेस दे आर टॉट बाय प्रॉपर क्रिकेटर्स। देखिए सलमान, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप 15-20 साल पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो आपको कहना ये चाहिए, यू गॉट टू बी अ टीचर रादर देन बीइंग अ स्टूडेंट राइट एट द टॉप। मीनिंग आप स्टूडेंट बन के पाकिस्तान क्रिकेट में ओपनर या वन डाउन या चार नंबर पे आके नहीं खेल सकते, यू गॉट टू बी अ टीचर। तो वहां पाकिस्तान के अंदर जो टॉप ऑर्डर के अंदर अभी सीख रहे हैं कि जी जो करेक्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, तो ये चीजें सोचने वाली हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग सिखाने वाले हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट। 230 के करीब रमीज के टाइम के ऊपर कोचेस थे पाकिस्तान के सेटअप के अंदर,
तो बात यह है कि ज्यादातर वो हैं जो किताबों के किताब के ऊपर, और वो किताब कुदरत से नहीं उतरी है, वो दो एक या दो बॉब वुलमर और एक आध किसी और ने मिलके लिखी है। तो क्या उन्होंने पूरी दुनिया की क्रिकेट समझ ली थी और सिखा दी? हम जो एक सिर्फ एक समझना चाहिए कि ये क्रिकेट क्या एंड गेम नहीं है। लोग हमारा बोर्ड ये समझता है कि जी ये सर्टिफिकेशन वाला कोच है तो इसको क्रिकेट आती है। क्रिकेट उसको आती है जिसने सेंटर ऑफ द ग्राउंड में आके परफॉर्म किया हो अंडर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 50,000 1,00,000 आदमी के अंडर जो जो खेलता है, दैट इज हिज लर्निंग प्रोसेस। ये किताब के ऊपर सीख के या लिख के पर्चा भर के आज के क्रिकेट नहीं आती, इसलिए कि हर सेकंड हर आर में क्रिकेट कुछ नया गेम सिखाती exactly. है, और वो 10-15 साल में दैट इज योर टेस्ट। एंड ऑफ द डे आफ्टर 15 इयर्स आप बताते हैं कि जी मैंने ये काम किया और ये मेरा टेस्ट है ठीक. और आप साइन ऑफ करके वहां से हटते हैं और वो दुनिया आपका रिकॉर्ड देखती है कि ये आपने दुनिया ठीक. के सामने शो किया। right. ये दो 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 मैच फर्स्ट क्लास नहीं खेलते और सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं और बच्चों को सिखाने लगते हैं। बल्कि सर आप तो ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, अभी मैं सलमान भट्ट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि असर की नमाज पे जो है वो मेरे साथ बैठ के इम्तिहान दे रहा है और मगरिब की नमाज से पहले वो पाकिस्तान की टीम के अंदर एक बड़े ओहदे पर लग गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो इस तरह जो है वो ओहदे बांटे जा रहे हैं और उसके नतायज हम जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा इन मेंटोर्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि 5 में से 3 मेंटोर्स तो वो हैं जो पाकिस्तान की टीम के हेड कोच भी रहे और मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्त रहे। उस वक्त उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जो उनको अब जो है वो हेड कोच के मेंटोर के तौर पे लेकर आ रहे हैं और फिर इनसे उम्मीदें लगा रहे हैं क्रिकेट बेहतर होगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और पाकिस्तान क्रिकेट को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस ब्रेक में हम बात करेंगे थोड़ी इंडियन क्रिकेट के हवाले से। शोएब भाई, अभी हमने देखा कि इंडिया ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो जीते। उनके जो कोच थे वो कोच नहीं थे जो चौकों छक्कों में बिलीव करते हैं, वो आप ही की तरह विकेट पर टाइम लेके खेला करते थे, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे, बैट पे खेलते थे, कॉपी बुक का कोचिंग मैनुअल के मुताबिक खेलते थे और वो अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवा गए और हम यहाँ पे उनके पीछे भाग रहे हैं कि जो आंखें बंद करके बस मिड विकेट पे बल्ला घुमाते हैं। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, वाकई वैलिड है और इसमें कोई शक नहीं कि ड्रेविड ने, हालांकि उसके लिए तो कहा जाता कि वॉल का नाम उनको कर दिया जाता, उनका निकनेम वॉल रखा था। तो बात यह है कि वो बिल्कुल सॉलिड एक बैटिंग, लेकिन वही जो मेरा पॉइंट है जो मैं इससे पहले आपको क्या बता रहा था, क्रिकेट इज ऑल अबाउट सिंगल एंड डबल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, दैट इज द टाइम टू स्कोर बाउंड्री रादर देन ट्राइंग टू हिट बाउंड्री ऑन एवरी नाउ एंड देन एवरी सेकेंड बॉल। उसके अंदर यू आर बाउंड टू गेट आउट सूनर और लेटर वाली बात है। तो ये आपको क्रिकेट को समझना पड़ता है, उसके ऊपर अगर आपने पूरा दिन खेलना है तो उसके लिए बहुत सी रूल्स अप्लाई होते हैं। आप आँख बंद करके शॉट खेले जा रहे हैं और आप एंड ऑफ द डे तक 150 या 130 रन के ऊपर नॉट आउट करेंगे, इतनी अंधी नहीं चल रही। पाकिस्तान के टीम के जो अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने ग्राइंड किया अपने आप को और टाइम एंड अगेन प्रूफ किया है दुनिया के बड़ी से बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट सॉलिड कंसंट्रेशन के साथ खड़े रह के। जब हनीफ मोहम्मद साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, 30 दिन का पानी के जहाज का टूर ट्रेवल करके वहां पहुंचे थे और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था, तो उनके लिए तो बहुत आसान था कि जी मैं तो 30 दिन मैंने प्रैक्टिस बल्ले को हाथ ही नहीं लगाया तो मैं कैसे खेल सकता हूँ। तो ये सब इट्स अ माइंड गेम। तो इस तरह से फिर जाके एक प्लेयर बनता है, यू नीड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस, प्रॉपर फुटवर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड, फिटनेस लेवल, ये तमाम चीजें ये थोड़ी सी बताई है मैंने आपको, बिल्कुल तो फिर जाके एक प्लेयर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑलराइट, और जो हनीफ मोहम्मद साहब का जिक्र किया, ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब जो अगस्त के महीने में वो इस दारे फानी से कूच करके अल्लाह ताला उनकी जो है वो जन्नत नसीब फरमाए, उनको करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। उस मैच की जिसकी बात कर रहे हैं शोएब भाई, 337 रन की उन्होंने इनिंग खेली, तो एक एक्सपेक्टेटर जो था वो दरख्त बैठ के मैच देख रहा था और इतना महव हो गया वो इतनी देर तक बैटिंग देखने के बाद कि वो दरख्त से गिरा, बेहोश हो गया। जब दोबारा उठा वो, उसने होश में आते पहला सवाल
क्या हनीफ मोहम्मद खेल रहे हैं या आउट हो गए, जब उसको बताया गया कि हनीफ मोहम्मद अभी तक क्रीज में मौजूद हैं, वो ये सुनकर दोबारा बेहोश हो गया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन था हनीफ मोहम्मद साहब का कि जो आजकल के प्लेयर शायद इसको सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल भाई, क्या वजह समझते हैं कि इंडिया की क्रिकेट हमसे ज्यादा आगे जा रही है? उनकी रणजी ट्रॉफी में ऐसी पिचेस बनाई जाती हैं कि जहां पे वो रन्स करते हैं, और यहां पे मैं देखता हूं कि अब जैसे शहजर मोहम्मद है, अब आप बैठे हैं बार बार ये बात हो जाएगी कि तीसरी नस्ल है आपकी, इसने टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई है। हम यहां पे पिचेस ऐसी बनाते हैं, फिर वहां पे कोई टैलेंट आकर रन्स कर देता है तो फिर उसको पीछे कर देते हैं, फिर आज बैठ के यहां पे रो रहे हैं कि बांग्लादेश हमें व्हाइट वॉश कर गया। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा इवन अमंग द टॉप क्रिकेटर्स भी वो अपने ब्लू वाइट बॉयज को खिलाना मांगते हैं, जिस तरह शादाब को देखें किस तरह टाइम एंड अगेन मौके मिलते रहे, उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं थी बट येट ही वॉज देयर टू बी सीन विद इन द स्क्वाड। तो इस तरह से जब होगा टॉप ऑर्डर हमारे क्रिकेटर्स ऐसा करेंगे तो बोर्ड वाले भी फिर उनको भी लीवे मिलता है, और फिर वो लोग भी अपना चाहते हैं कि हमारा जो क्लोज जो क्रिकेटर है, इसलिए कि लाहौर में हेड ऑफिस भी है, वहीं ट्रेनिंग भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है, और वहीं घूमना भी कॉरिडोर्स में होता है, और वहीं आप अपनी कहानी को आगे लेके बढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि इंडिया में आपने कहा कंपैरिजन, कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स वहाँ क्रिकेट के अंदर जब सीरियस क्रिकेट की बात होती है तो देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट गिविंग अ सॉलिड चांस टू अ रियल क्रिकेटर रादर देन अ वीक क्रिकेटर। मैं एक दफ़ा सेलेक्टर था, वैसे तो मैं तीन दफ़ा रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल देते चलूँ तो यहाँ मुझे यहाँ से लाहौर का सेलेक्टर बनाया गया, तो वहाँ सिलेक्शन कमेटी वहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स आ गए देख रहे थे, मैं फाइनल सिलेक्शन कर रहा था, लाहौर की क्रिकेट टीम बना रहा था, तो उसमें से एक प्लेयर आया, उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा है, और एक दो प्लेयर आए उसमें से एक की 14 रन की एवरेज थी, एक की 7 रन की एवरेज थी। इससे जस्ट इमेजिन, तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट ऑन, और उसको नहीं लिया उन्होंने, मैंने टीम अनाउंस कर दी। दो दिन के बाद पता चला वो टीम डिसॉल्व हो गई, वो प्लेयर वापस आ गए बाद में, और स्क्वाड जो है वो 22 या 25 प्लेयर की जगह 32 प्लेयर्स का कर दिया, और उन दो प्लेयरों को भी ले लिया। तो जब इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें जो डिजर्विंग प्लेयर होता है उसकी जगह नहीं बन पाती, इसलिए कि वो इतना ज़्यादा फोर्स से अंदर आया हुआ होता है कि उसको फिर दे एंड नो स्टॉपिंग टू इट, और वो उसको चांस मिल ही जाता है फाइनल 11 में भी खेलने का। तो ये इंडिया में चीज़ नहीं होती, और करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं जहाँ अच्छे सिखाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो सर्टिफिकेशन का जो मैं बार बार बोर्ड में कोई पता नहीं कितने सालों से कह रहा हूँ, और मैंने शायद 25 साल पहले ड्रेविड जब कोच भी नहीं बना था, जब आई वॉज द ओनली वन हु स्पोक अबाउट इट कि पाकिस्तान का जो बेस्ट माइंड सेट है ही शुड बी टीचिंग द यंगस्टर द 15 द अंडर 19, और उसके कुछ साल के बाद ड्रेविड अंडर 19 के कोच। अच्छा सर मुझे ब्रेक में जाना है। इस किस्म की जब आपका बेस्ट माइंड है वो बच्चों को सिखाएगा तो वो जेनरेशन नेक्स्ट में कन्वर्ट एक सुपरस्टार की शक्ल में हुआ करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आजकल जो प्लेयर जो हमें देखने में आ रहे हैं वो इतने ग्रेट शेक्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है, शोएब अहमद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने मौजूद छेड़ा था मेंटोर्स के वाले से। शोएब भाई ये इस वक्त जो 5 मेंटोर्स का अनाउंसमेंट हुआ है, मासिवाय शोएब मलिक और सरफराज अहमद के 3 जो मेंटोर्स हैं आपके, वकार यूनुस, मिसबाह उलहक और सकल मुश्ताक, ये तीनों पाकिस्तान की टीम के हेड कोच रहे, और इन्होंने इनकी परफॉर्मेंस सबने ही देखी कि क्या इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको जो वो हेड कोच के अहदे से फारिग किया गया था। दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रही है और हम शायद ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी फारिग होते नजर आ रहे हैं।
और इसमें आपने शुएब मलिक भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी रहे, तो ये कैप्टन का भी फर्ज होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसी और बेटरमेंट आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉरिडोर नहीं रहे, तो और अच्छा खासा टाइम से वो जब खेल रहे हैं, एज अ सीनियर मेंबर भी हैं, कैप्टन भी पाकिस्तान के वो रह चुके हैं। तो और ये बाकी जो आपने नाम लिए, ये हेड कोचेज की शक्ल में भी और कोचेज की भी शक्ल के अंदर नज़र आए, लेकिन लेकिन इनके टाइम के ऊपर या इनके जाने के बाद, क्या जो मैंने पहले प्रोग्राम में भी अभी आप बात कर रहा था कि कोई प्रोडक्ट कोई नज़र नहीं आई, वही गलतियां। एक देखें, एक बच्चे को, एक छोटा जो बच्चा होता है स्कूल में या क्लास में, उसको क्या कहते हैं या उसको टीचर क्या कहती है कि अगर वो गलती करता है? वंस टोल्ड शुड बी इनफ। जो छोटे बच्चे होते हैं, वंस टोल्ड शुड बी इनफ। अगर आपने कोई चीज़ सिखाई है और अच्छे तरीके से सिखाई है, तो उसके दिल और दिमाग के अंदर वो रजिस्टर हो जानी चाहिए, वो एनग्रेव्ड होना हो जानी चाहिए, और वो उसके दिल दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए कि जी आपकी बात की वैल्यू उस प्लेयर ने इतनी रखी या आपने उसको इस तरह से सिखाया कि वो अब ये गलती कम से कम नहीं करता। तो ये चीज़ तो अभी तक, चाहे उस टाइम के प्लेयर, ये लोग तो दो दो तीन तीन दफ़ा या कितने पांच पांच दस दस साल से सर्किट में रहे हैं एज अ कोच, एज अ कैप्टन और इस किस्म की चीज़ें, और इवन सरफराज भी एज कैप्टन रहे हैं। तो ये तमाम लोग जो है अपनी से, तो जिस तरह जैसे मैं बता रहा था तौकीर ज़िया साहब को, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी है, इसका कैंप लगाएं, पूरे पाकिस्तान से कोई 25-30 सेलेक्ट लेफ्ट आर्मर्स लें, उनका कैंप लगाएं, शॉर्ट लिस्ट करें, 3-4 उसमें से पिक करें और उसके ऊपर मेहनत करें, उनके ऊपर पैसा खर्च करें। खैर वो फिर वो समा थोड़े दिनों के बाद ही फिर उन्होंने वो हट गए थे अपनी पोजिशन से। बट एनी वेज, AI का आपने जिक्र किया, AI के ऊपर आजकल पाकिस्तान के अंदर जो ओपनर में से जो 195 या 185 या 175 रन करेगा और जो 205 रन करेगा, उसमें ऑटोमेटिक चॉइस सिर्फ एक नाम जाएगा जिसने 205 किए हैं, 175 वाला नहीं जाएगा। तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई कर नहीं सकता जिसका भी ये आइडिया है। इट इज मोस्ट डिजास्ट्रस डिसीजन। अच्छा शेख भाई, वक्त थोड़ा सा महदूद है। आपको लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये एक एक दो दो मैच खेलने वाले पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, फिर जो आप जैसे भी आप बात कर रहे हैं डेटा की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में आपने दुनिया में कहीं सुना कि कोई रिसर्च का या डेटा का बंदा बैठा हो? यहाँ पे दो बंदे ऐसे सिलेक्शन कमेटी में के जो डेटा के हवाले से बैठे हैं। क्रिकेट हमारी कहीं नजर नहीं आ रही, क्रिकेटर दूर हैं, क्रिकेट महदूद है, उन्हीं क्रिकेटर के इर्द गिर्द घूम रही है, वही हर बोर्ड का सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यार जी सर, उसके लिए ना सलमान, यू गॉट टू हैव एन आई, यू गॉट टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। लाइंस के बीच में आपको पढ़ना होता है कि आपको उसकी, एक बैट्समैन या बॉलर की या स्पिनर की या फील्डर की स्पार्क एंड इंटेलिजेंस देखना होता है, उसकी उस क्वालिटी को बिहाइंड द कर्टन देखना होता है एक तरह से, कि उसकी टेक्निक क्या है, उसका अप्रोच कैसा है, फास्ट बॉलर पे कैसा है, उसकी फीट मूवमेंट क्या है, क्या घबराता है या ईजी बॉलिंग के ऊपर आके मारना शुरू करता है और फास्ट बॉलिंग के ऊपर घबरा के खेलता है। तो इस किस्म की चीज़ें ये इंटेलिजेंस है, AI किस्म की चीज़ें नहीं बता सकती। तो उस तरह के प्लेयर होना चाहिए, सेलेक्टर आप उन लोगों को बिठा देते हैं कि जो एक एक दो दो मैच, चार चार मैच खेले हुए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए जो एक दो चार मैच खेले हुए, दे हैड बीन फेलियर्स, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो फेलियर में काउंट होगा, वरना ये कि इंसान ज्यादा खेलता है, ये कुदरत की बात होती है, किसी को चांस ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये अगर आपने टच कर लिया टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, तो इसका मतलब आप मिस्टर नो ऑल हो गए। नो, दैट इज नॉट द वे। शेख भाई आखिरी, बिल्कुल मेरे पास 20-25 सेकंड है, क्योंकि आपने 2009 की वर्ल्ड कप की जो टीम पाकिस्तान जीता यूनुस खान की क़यादत में, वो टीम आपने सेलेक्ट की है, फिर जब शायद आफरीदी ने एशिया कप में जडेजा को, अश्विन का जब छक्का लगाया, उस वक्त आप टीम का हिस्सा थे, अभी अंडर 19 में जब आप गए, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की टीम के साथ थे, वहां पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की है, तो ये आप उस सेटअप का हिस्सा है जहां पाकिस्तान ने फतूहत हासिल की है। आपको लगता है कि सिलेक्ट करने वालों की आंखों में मसला है, उस आई में मसला है जो सही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे?
बिल्कुल, वो सिर्फ डेटा के ऊपर चले जाते हैं और उसके ऊपर निकालते हैं. मेरा वो तरीका नहीं है. आई एम फ्रॉम द वन ऑफ दोज फ्रॉम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स. जो आप अपनी आँखों के ट्रस्ट, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, अपनी आईज के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जी ये चीज़, ये बंदा सही है और ये गलत है. और 2009 में तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो मुझे एक हफ्ते में हटा दिया. बिल्कुल, आपको हटा दिया था. बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ कि आई हमारे पास शायद अब नहीं है, जो शेब मोहम्मद साहब जैसे लोगों के लिए, सर सरफराज नवाज साहब भी बात करके कहेंगे साहब जैसे लोग हैं, या इवन मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग जो प्रूवन है, जिन्होंने रिजल्ट दिए, उनको क्यों जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसीडर नहीं कर रहा और बार बार के फेल होने वाले लोगों को बतौर मेंटोर और बतौर मुख्तलिफ हैसियतों में लेकर आ रहा है. आज के लिए बस इतना ही. शेब मोहम्मद साहब के इंतहा मशहूर हैं, उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला. जी स्पोर्ट्स के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.